में है तो क्या जूते पहन के मस्जिद के अंदर जाएंगे? ऐसे ही हम मंदिर के अंदर जाए तो क्या आप खामोश रहेंगे? आपका मंदिर पाक है तो क्या हमारी मस्जिद पाक नहीं है? किस लिए जनाब आप हमेशा हम लोगों पर शक ही करते हैं? नाइंसाफी है ये। मंदिर में कोई क्रिमिनल घुस गया, किसी मुसलमान ने पाकिस्तान में कुछ किया तो हमको क्यों परेशान किया जाता है? साहब हम मुसलमान हैं, सही बात है, मगर हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी आपकी तरह इंडियंस हैं। अरे हट, तुम इंडियंस हो ही नहीं सकते। थू, रहते हो इस देश में और 24 घंटे नाम लेते हो पाकिस्तान का। क्रिकेट मैच में भारत पाकिस्तान से हारता है तो तुम मिठाइयां बांटते हो। अमेरिका में लादेन का अटैक करता है तो तुम खुशियां मनाते हो। हिंदुस्तान के खिलाफ मदरसों में तालीम दी जाती है। तुम लोगों के घर, तुम लोगों के मदरसे और तुम्हारी मस्जिदें, ये सभी पाकिस्तान ISI को गुनाह करने के वास्ते बना देती हैं। तुम हिंदुस्तानी हो? अरे जनाब ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ISI वगैरह से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम लोग आपको ऐसे लगते हैं क्या? साहब हकीकत तो ये है कि हम लोग भी आपके माफिक दिन रात मेहनत करके शराफत की जिंदगी जी रहे जनाब, लेकिन आपके शक की वजह से हमें घबराहट होती है। अरे ये भी क्या जिंदगी है साहब, कुत्तों के माफिक जी रहे हम लोग यहाँ पे। अगर यहाँ पे तुम्हें इतनी घबराहट हो रही है तो चले जाओ अपने पाकिस्तान में। अरे आप कौन होते हैं पाकिस्तान चले जाओ कहने वाले? क्या आपका मुल्क है ये? क्या सिर्फ आपका मुल्क है ये? अरे हम भी यही के हैं, पाकिस्तान हमारा नहीं है। आपके माफिक हमारी भी पैदाइश यही की है, आपके माफिक हमारी भी परवरिश यही हुई, और हमको भी यही की मिट्टी में फना हो जाना है। हमारा भी है ये भारत देश, हमें कैसे जुदा करेंगे आप? हम पर यकीन क्यों नहीं है? हमें यकीन नहीं तुम पर, तुम यकीन की बात करते हो। हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम है वो भाई भाई हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। ये यकीन का ही नतीजा है जो मुंबई में ब्लास्ट हुए, कश्मीर में गोलियां चली, मंदिर में जो अटैक हुआ है। इतना सब होने के बावजूद भी यकीन करके लाहौर तक बस सेवा शुरू की, और तुम लोगों ने कारगिल में धोखा दिया, पीठ में खंजर घोंपा। तुम लोगों ने गलत बयानबाजी कर रहे हैं आप जनाब। हमारा कारगिल से क्या वास्ता? अरे हमको जानकार भी नहीं कि वो चीज क्या है। आखिर जिन्होंने धोखा दिया वहां पर वो पाकिस्तानी बदमाश थे, उन कमीनों ने अंजाम दिया जनाब, वो हम नहीं है जनाब। साहब सभी नमाज पढ़ने वाले पाकिस्तानी नहीं होते हैं जनाब। इस्लाम का मतलब सिर्फ पाकिस्तान नहीं है जनाब, दुनिया के न जाने कितने मुल्कों में इस्लाम है जनाब, उसमें से पाकिस्तान तो एक निहायत ही छोटा सा टुकड़ा है। साहब देश और ईश्वर में कैसा रिश्ता? साहब वो भी मुसलमान है और हम भी मुसलमान है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो पाकिस्तानी है और हम इंडियंस। हम पुश्तों से यहाँ पर रह रहे हैं साहब और यहीं पर रहेंगे। ए, तुम लोग यहाँ पे रह रहे हो हमारे रहमो कर्म की वजह से। तुम्हारा पैगंबर यहाँ का नहीं है, धर्म ग्रंथ यहाँ का नहीं है, तुम्हारे अल्लाह से जुड़ा हुआ कोई भी धर्म स्थान यहाँ हिंदुस्तान में नहीं है, इसे अपना मुल्क कैसे कह सकते हो? हमारी माँ को जख्मी करने के बाद भी, तुम्हारे लिए पाकिस्तान बनाने के बाद भी, हमने तुम पर तरस खाकर तुमको यहाँ पनाह दी है। तरस खाकर पनाह देने की कोई बात नहीं है साहब, हम खैरात नहीं मांग रहे हैं। हम लोग जब तक जिंदा हैं यहीं पर रहेंगे, ये हमारी माँ है, ये मुल्क हमारा है, हम सभी का। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ये रही छोटे। चलो चलो चलो। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। तुम कहाँ जा रही हो? आप लोग यहाँ कैसे? आउटडोर। हाँ वाया दिल्ली। हाँ तुम कहाँ जा रही हो? दिल्ली। हाँ। दोस्त की शादी में। तुम काफी खूबसूरत हो। अरे छोटे के साथ बहन बन जाओ। आजकल कैसे बहन बन जाती हो? तुम्हें क्या कमी है? अजर भाई, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे अरे बैठो बैठो। आओ ना आओ ना। अरे कहीं जा रहे हो किसी? अरे हम आने से पहले अमजद भाई को बता नहीं पाए कि हम आउटडोर जा रहे हैं। अरे पूजा, क्या तुम इनको जानती हो क्या? ये हमारे अमजद भाई के छोटे भाई है। हाय। फोन? क्या हुआ? भागो 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 जल्दी भागो, बचाओ बचाओ, भागो यहाँ से। अरे अरे बैठ जाओ बैठ जाओ, रुक जाओ। मैंने कुछ नहीं किया।
अरे ये क्या, अजर भाई सर हैदराबाद स्टेशन पर ब्लास्ट हो गया सर, ब्लास्ट में बहुत आदमी मर गया है सर, जल्द से जल्द वहाँ पे आने की कोशिश करें सर, आतंकवादी को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाना चाहिए सर। वो ब्लास्ट हमने किया है, मैं हूँ अजहर खान। ए पुलिस, ये सिर्फ एक नमूना है, मसूद भाई और अमजद भाई को लेकर आधे घंटे के अंदर स्टेशन पर आ जाओ हेलीकॉप्टर लेकर, वरना ए पुलिस अगर हमने दूसरे ब्लास्ट को अंजाम दिया तो स्टेशन के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में सारा एरिया खत्म हो जाएगा। तुम अजहर नाम के किसी बंदे को जानते हो? अजहर? अजहर तो मेरा भाई है जनाब, हमारा छोटा भाई। क्या हुआ साहब? साहब, अरे अजहर, अजहर को टीवी में क्यों दिखाया जा रहा है साहब? कौन है साहब? हेलो भाईजान, मैं अजहर। भाईजान आप महफूज हो ना? अरे अजहर, भाईजान आप घबराओ मत, आप मसूद भाई के साथ यहाँ आ जाइए। अरे अजहर ये सब क्या? साहब मुझे बात करने दो अजहर से। साहब छोड़ी मुझे सर, मारो उसे, छोड़ी भाई से, छोड़ो सर, शड़ा भाई से। सर हमें सब मालूम है, हम भी उसे खत्म करना चाहते हैं, मगर क्या करूं, हजारों लोगों की जान खतरे में है, मसूद को रिहा करना होगा सर, ये हमारा हुक्म है, गवर्नमेंट ऑर्डर। बचाओ, बचाओ, हमें बचाओ, बचाओ उन्हें, बचाओ, हमारे बहुत सारे अंदर है, बचाओ उन्हें, बाहर निकाल दो, बचाओ उन्हें, बाहर निकालो, बचाओ उन्हें, हमारी जान बचाओ, बचा लो उन सबको, जल्दी कुछ करो, कम ऑन कम ऑन, हरी अप, चलो चलो बाहर निकलो, जल्दी जल्दी करो, पकड़ो से, हेलो हटो, हटो रास्ते से। हटा दीजिए। हाँ ठीक है, रुको, हाँ ठीक है, रुको, सबको फौरन बाहर भेज दो, फौरन सब बाहर जाओ, कम ऑन कम ऑन, मूव 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 मूव, कम ऑन कम ऑन, हरी अप, चलो चलो बाहर निकलो जल्दी। दोनों को रिहा कर। अजहर, अरे अजहर ये ठीक नहीं है, छोड़ो उसे, छोड़ 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 छोड़, अरे मेरी बात सुन, ये ठीक नहीं कर रहा तू अजहर, ये अच्छा काम नहीं है अजहर, बकवास बंद करो, हमारे पास वक्त नहीं है, भाई को इधर भेजो, मसूद भाई को भी इधर भेजो, भाई को ले आओ जल्दी। अरे भाई, अरे भाई किसको बोल रहा तू, इस कमीने को, अरे ये पाकिस्तानी है, काफिर है, देश का दुश्मन है ये, अरे मेरे जिगर,
अरे गद्दार का साथ मत दे, छोड़ दे इस बिचारी को। अरे वो तेरी बहन जैसी है, जाने दे उसे। अरे छोड़, जाने दे उसे। ये तो काफिर है, हिंदुस्तानी काफिर, काफिर की औलाद है ये। भाई को इधर लाओ, हम लोग पाकिस्तान जाएंगे, हमारा पाकिस्तान। अरे चुप, हमारा पाकिस्तान नहीं है, हमारा हिंदुस्तान है। यहीं पर हम पैदा हुए, यहीं पर परवरिश हुई हमारी, ये हमारी माँ है, हम इस माँ की औलाद है। सुन नजर, यहीं हम पैदा हुए, यहीं हमारी मौत होगी। बोलो, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद। छोड़ दे ये पागलपन, ये पागलपन नहीं है, जिहाद है, जिहाद। hey, क्या धक्कन की तरह देख रहा है तू? उन दोनों को रिहा कर वरना लड़की को उड़ा दूंगा, समझा कि नहीं? नहीं साहब, नहीं जाना मेरे को सर। साहब हमको पाकिस्तान नहीं जाना साहब, हमको मत भेजिए साहब। साहब हम नहीं जाएंगे साहब, साहब 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 नहीं जाना साहब। पागल हो गए भाई जान, साहब साथ करो, छोड़िए मसूद भाई को। अब नहीं हमारे पास, अब पाकिस्तान के लिए जाना होंगे। पुलिस मेरी बात देखता है, जल्दी से रिहा कर मसूद भाई को, रिहा कर। साले भाई जान, आप क्या कर रहे हो? मसूद भाई को छोड़ दो। मैं छोड़ूंगा, मैं भाई जान, आप क्या कर रहे हो? मसूद भाई को छोड़ दो वरना उड़ा दूंगा मैं इसको। मैं मेरे भाई को क्या बना दे कबीले। ये पुलिस तू क्या देख रहा है? उड़ा दूंगा मैं इसको, अजाब नहीं कर रहा भाई जान, तू उड़ा दूंगा मैं इसको। पागल बन मत करो भाई जान। ए पुलिस छोड़ो इसको। ए ए ए मजाक नहीं कर। ओ ओ Yeah!
थी। अमजद भाई अमजद कोटी छोटे बॉम्ब अभी डिफ्यूज नहीं हुआ है, कुछ करना पड़ेगा। इन सबको लेकर बाहर चलो, बाहर चलो, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, सब हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, अरे चलो सब 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 निकलो ऐसे, चलो जल्दी निकलो, बाहर जाओ, बाहर जाओ, जल्दी 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 भागो भागो, यहाँ पर बॉम्ब है, जल्दी निकलो, भागो भागो, यहाँ पर बॉम्ब है, जल्दी भागो, बिल्कुल खेलना मत, भागो यहाँ से। आरटीएक्स बॉक्स में वैक्यूम कनेक्ट है मगर सेल फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया है, सिग्नल अभी ऑन है सर, बहुत खतरनाक सर, ओपन कीजिए, घबराओ मत, मुझे हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत, आराम से, आराम से, ओके ओके आराम से, बचो, ओके सर डिस्कनेक्ट हो गया सर, थैंक यू सर, सर थैंक यू वेरी मच, आराम से अमजद भाई। ठीक है ठीक है,